नमस्कार दोस्तों, बाइट नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो एमएस वर्ड में एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं उनको कैसे डिलीट करेंगे, उनको डिलीट करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे डिलीट करें, उनमें टेक्स्ट कैसे बचाएं, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। आप विंडो प्लस आर कीबोर्ड में प्रेस करेंगे और यहाँ पर बिन वर्ड टाइप करेंगे, WINWORD, और ओके बटन दबाएंगे, आपका एमएस वर्ड जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद में अगर यहाँ पर आपका शो कर रहा है तो यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली क्लिक करके ओपन कर। उसके बाद में हाउ टू डिलीट पेज इन एमएस वर्ड, यानी किसी भी प्रकार का पेज एमएस वर्ड में कैसे डिलीट करें, पहले तो इंसर्ट करना सीख लीजिए। जैसे मेरा अभी सिंगल एक पेज है, यहाँ पर देखिएगा पेज नंबर्स आते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक एक ऑफ वन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी हम पेज इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले आपको नीचे की तरफ आ जाना है या कहीं पर भी किसी भी पेज पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको सिंपल सी शॉर्ट की प्रेस करनी है, कंट्रोल प्लस इंटर बटन। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके पेज इंसर्ट होते जाएंगे, जितनी बार प्रेस करेंगे। मैंने यहाँ पे 5 पेज इंसर्ट कर लिया है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 of 5 लिख के आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में आपको पेजेस डिलीट करने के लिए उसी पेज पे आपको क्लिक करना है जो पेज आपको डिलीट करना है। देन क्लिक करने के बाद में आपको सिंपल से कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करना है। ऐसे डिलीट बटन प्रेस करेंगे आपका पेज डिलीट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक पेज डिलीट हो चुका है। उसके बाद में अगला पेज डिलीट करेंगे तो अगला डिलीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे पास 2 बचे हैं, मैं आपको जूम करके फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 of 2 बचे हैं, हमारे पास 5 पेज थे। इस तरीके से आप एमएस वर्ड में जो है पेजेस को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको कमेंट करके बता देना है, बस आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।